नहीं उठाएगा, ये तो मालूम है। ये जो कागज, ये क्या है? पहले यहाँ एनओसी जारी हुई है रेवेन्यू से, टाउन कंट्री प्लानिंग में प्रस्तावित हुए हैं, तो सफर जी था पहले के जो अधिकारी करके गए उसको गलत करके गए। इसका तू किससे पूछ के जारी किया विचित्र की, किसने लगवा दी? सर हमारे यहाँ परिस आई चला सर। हाँ तो मास्टर प्लान अप्रूव हुआ है, हैं? उसको बदलने का अधिकार है आप लोग के पास, किसी के पास है? ये नहीं लिया गया तो मेरे को ये बता कि इसको बदलने का अधिकार तुमको किसने दिया? अगर पहले का लिखा तो वो भी गलत है, तुम भी गलत हो। किसने अधिकार दिया? बदली करने का अधिकार है तुम्हारे पास? जो चीज़ प्रस्तावित है मास्टर प्लान पास है, जिसको पूरा कलेक्टर, सांसद, विधायक, महापौर सब ने बैठ के तय किया, उस चीज़ को बदलने का अधिकार किसने दिया आपको? है अधिकार किसी को? टाउन कंट्री प्लानिंग से जो मीटिंग हुई है आपका, बाकायदा मास्टर प्लान में पास हुआ है जो चीज़ पिछली सरकार के टाइम, तो उसको बदल कैसे सकते हो? किसने अधिकार दिया हो जानना चाह रहा हूँ। एनओसी इसकी नहीं आई है तेरे को नहीं मालूम है क्या? इसकी एनओसी सब आई हुई है ये मालूम नहीं मालूम है? हैं सर कैसे तू चिट्ठी कैसे जारी किया मतलब किस आदेश सर? फाइल के हिसाब से किया? फाइल अपने आप नहीं चलती मिस्टर, फाइल चलाई जाती है। तुमने किसके निर्देश में क्या बताइए मैडम, किसके निर्देश में दिया? कब लिखा गया? 24 अगस्त 2022। तो कुछ जवाब आया? नहीं अभी तक नहीं। क्या क्या चिट्ठी लिखा है? देखो ये यही लिखा गया सर कि मसाती वाला एरिया है तो वहाँ पे दूसरे लोगों का कब्जा का दावा हो सकता है। हो सकता है मतलब हो सकता है, उसकी चिंता कर रहे हो? नहीं तो इसमें जो, जो, कि फाइनल प्रकाशन जब तक नहीं हो जाता तब तक कैसे उसमें करें, सिर्फ वो मांगे सर। मैडम आप ये बताइए, जो चीज सरकारी है उसको आप लोग खुद विवादास्पद बना रहे हो, खुद प्राइवेट दर्शा रहे हो, खुद फर्जी काम करवा रहे हो, हैं? कोई तरीका है क्या? कलेक्टर करने आया कि यहाँ पे घुसखोरी करने आया है? क्या काम किया 5 महीने में कलेक्टर ने आके? कौन सा क्या विजन है उसका? कौन सा डेवलपमेंट कर दो? क्या मैं बोल चुका हूँ भाई, एसडीएम प्राइवेट लैंड कोई डलवाए अपनी सहमति से मेरा कोई आपत्ति नहीं, पीछे सरकारी जमीन में इस प्रकार से अगर पहाड़ बनाओगे मेरे को आपत्ति है। मैंने आपको उस दिन बोला था मैडम कि ये सब मेरी विधानसभा में आकर खेल बंद होने की, तो ये पहाड़ कैसे बन रहे? इन्वायरमेंट वाला तो मेरे घर का परमिशन दे देगा, तो क्या वहाँ डाल दोगे राकड़? ये कोई तरीका थोड़ी है भाई, रोड से ऊंचा पहाड़ बना दिया इसने, कल ये राकड़ उड़ेगी, कल जमीन का सत्यानाश कर दिया। सरकारी जमीन है तो इसका मतलब थोड़ी कि उसको कुछ भी कर दो। निगम से एनओसी देने का प्रावधान है क्या राशन डालने पे? निगम एरिया में तो बैंक से बोलिए, अभी आपको एक नोटिस भी दिया हूँ, देखे होंगे। सामने स्कूल है, ये सामने गांव भी है, बाउंड्री वॉल लगी हुई है, सामने स्कूल तो है ये, तो और क्या रिहायशी होगा स्कूल से बड़ा? रोड पे तो धूल इसकी वजह से तो काफी है। इनाकड़ को खो आप लोग वापस, हैं? जहाँ से जिस डैम से लाए, बालको का हो, एनटीपीसी का हो, सीएससी किसी का भी हो, इसको उठा के वापस डुलवाऊंगा। अब एक ही तरीका है, इसको उठवाइए, ये कोई तरीका नहीं। शहर का सत्यानाश नहीं होने दूंगा बिल्कुल। अब यह चीज़ आप लोग जान लीजिए, कोई भी अधिकारी कितना भी पावरफुल हो, अपने आप को कितना भी पावरफुल बताता हो, मेरे शहर में मैं मनमानी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। बता दें बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ मैं, समझे ना? तो काम करना, उस काम से भटक गए आप लोग सब। और ट्रांसपोर्ट अगर शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ से कलेक्टर शिफ्ट होगा बता देता हूँ बात, ट्रांसपोर्ट अगर वहीं बनेगा, और अभी एक हफ्ते का टाइम देके जा रहा हूँ बाहर, अगर एक हफ्ते के अंदर क्लियर नहीं किए तो फिर बताता हूँ। बस बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं करूँगा।
पूरा कोयला ट्रांसपोर्टिंग शहर की बंद करिए, चलो शहर के बीच से कोई कोयला एक्टर नहीं जाए, ट्रांसपोर्ट अगर भी नहीं जाएगा कोई बनने के लिए, बंद करिए आप, आड़ो निकालो अभी मेरे कॉपी से, बात करो उससे कलेक्टर से सर, नहीं बाहर नहीं भगा है, कोरबा में बैठा हुआ घर में, कोई उसकी ना तबीयत खराब है और ना और कुछ है, मैं चीफ सेक्रेटरी से पूछ लिया, कोई परमिशन नहीं लिया उसने छुट्टी का, झूठ बोल के गायब हुआ है। आज यहाँ पे प्रस्तावित जो टीपी नगर है स्पॉट पे हम लोग खड़े हैं, क्या आपको सूचना दिया, क्या देखिए टीपी नगर कोरबा में नया मास्टर प्लान जब कोरबा का लागू हुआ उसके पहले विधिवत बैठक हुई थी, उस बैठक में तत्कालीन सांसद, मैं स्वयं विधायक के रूप में, महापौर, आपके कलेक्टर, टाउन कंट्री प्लानिंग के बागड़े जी, सभी लोग उपस्थित थे, उसमें और भी जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित थे, और उस समय ये निर्णय हुआ था कि ट्रांसपोर्ट नगर बरबसपुर में बनेगा और बरबसपुर में ऑलरेडी 72 एकड़ जमीन नगर निगम को आवंटित थी, उसका पैसा नगर निगम ने पहले जमा किया था, जो कचरा को रखने के लिए वो जगह बनाई गई थी, लेकिन कचरा का कचरा को नष्ट करने का अभी जो अभियान चला है उसमें 42 एकड़ जमीन जो रोड के इस पार जो थी वो खाली पड़ी हुई थी और 30 एकड़ जमीन में कचरा पहले से डाला जा चुका है, जिसको कचरा को उठाने का उसका भी निविदा हो चुका है, तो इस प्रकार से योजना बनी थी कि पहले 42 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर फेस वन बनेगा, फिर वो 30 एकड़ जमीन में आपका फेस टू बनेगा, ये तय हुआ था, जो आपका राजपत्र में प्रकाशित है, मास्टर प्लान में है, और मास्टर प्लान में होने के बाद फिर उसके बाद ये एक मामला आया कि जो जमीन है वो उसके जिस पर्पज से दी गई थी वो पर्पज से हल नहीं हो रहा है, तो उसके बाद राज्य सरकार यहाँ से कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव राज्य सरकार को गया, जिसमें नगर निगम ने भी अपनी वो जताई सहमति, और राज्य सरकार ने आवास परिवहन मंत्रालय ने उसमें उसका लैंड यूज को चेंज किया टीपी नगर के लिए। अब टीपी नगर के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी, उसकी निविदा भी हो चुकी है, और उसके बाद सिर्फ ये एक 4 लाइन का कलेक्टर को पुनः आवंटन का उस मद में एक चिट्ठी देना था, उसको कलेक्टर तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू ने उसको गुमराह किया, रोक दिया और टीपी नगर को बाधित करने का प्रयास किया, और ये वर्तमान कलेक्टर भी 5 महीना से कोरबा जब से आए हैं इन्होंने मंत्री जी ने कुछ निर्देश दिए, किस तरह का मामला है सर टीपी नगर को लेकर के? टीपी नगर का मामला चूँकि मसाहती भूमि है इसलिए उसका स्थल निरीक्षण करने और राजस्व के जो रिकॉर्ड है उसको मिलान करने के लिए अभी एक विजिट हुआ था, उसके बाद आगे का जो निर्देश होगा उस पर आगे कार्रवाई होगी। सर जो तैयार कर लिया गया सर, राखड़ की समस्या एक बहुत गंभीर समस्या है और ये समस्या सर पूरे जिले की है, इस दिशा में आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि कहीं सर कागजी कार्रवाई कहीं जमीन पर नहीं दिख रहा है? नहीं, आपको याद होगा विगत दिनों जितने भी जो PSUs है जहाँ से राखड़ का उत्सर्जन होता है उनकी एक बैठक लेकर उस जगह पर डंपिंग कर न करने के लिए उनको निर्देश दिए हैं, और जो भी अनधिकृत जगह पर डंपिंग कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। सर अभी जो वर्तमान जिस स्पॉट पे खड़े हैं ये सर क्या है, यहाँ पे जो राखड़ का ढेर है ये है क्या वास्तव? इसके संबंध में मैं RO जो पर्यावरण के अधिकारी हैं उनसे चर्चा करके बताता हूँ कि अगर उन्होंने परमिशन दिया होगा या अनधिकृत तौर पर किसी ने यहाँ पर डंप किया होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। सर जब नया टीपी नगर की परिकल्पना की गई थी उस समय तो उसकी जाँच की गई जमीन की मसाती की क्या है, मास्टर प्लान तैयार होगा, टाउन कंट्री प्लानिंग करवाया होगा, जांच की गई होगी? नहीं, अभी देखिए चूंकि आपने बताया कि वो मसाहती गांव है और हमारे राजस्व रिकॉर्ड में भी मसाहती गांव है तो इसलिए उसका मैप फिक्स्ड नहीं है, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड का मिलान करके आज मौका निरीक्षण किया गया है और इसके आधार पर जो राजस्व रिकॉर्ड में जो जितना जमीन जो दिख रहा है उसके आधार पर आगे का प्लान तैयार होगा। नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सर अभी आपने कहा राखड़ के मामले में ठोस कार्रवाई की जा रही है, सर आपकी नज़र में कोई ऐसी कार्रवाई है जो कोई ठोस जिसमें किसी के खिलाफ सख्त एक्शन हुआ हो? जितने भी हमारे पर्यावरण के अधिकारी हैं साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस जो है और RTO की जो टीम है वो लगी हुई है, निरंतर उन टीमों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, और इसके अलावा जो अनधिकृत जगह पर जिन्होंने इस तरह का बगैर अनुमति के